start. Okay. So what is your good name? Gaurav. So Gaurav, what is your problem? Struggling in sales. Ki sales nahi ho pati boss kabhi sometimes. Struggling in sales. Kyon nahi ho pati hai? Reason ना वो find out नहीं हो पा रहा कि reason क्या आ रहा है to be honest. ठीक है ना, क्योंकि मैं लोगों से मिल रहा हूँ, ठीक है, फिर वहाँ पे जा करके वहाँ जाता हूँ, ठीक है, मतलब एक उतना कि तू भी फाउंड फाउंड आउट नहीं कर पा रहा उसको मैं. अच्छा, एक सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, फोकस. फोकस के लिए क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन. क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन. मेडिटेशन, योगा. ये क्या है, हमारी एंशियंट वो है, ये सबको आनी चाहिए. फोकस, हम लोगों को फोकस ही नहीं पता कि हमें करना क्या है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारी फोकस 50 जगह दिमाग जा रहा है. हमें ये है कि भाई इतनी सेल करनी है, तो हमारा फोकस नहीं है. सबसे पहले क्या करना है, फोकस. वी नीड टू फोकस ऑन आवर टारगेट दैट वी नीड टू गो देयर. आज मेरे को 3 सेल चाहिए, तो 3 सेल करके निकलूंगा सुबह. दिन में खाना खाया, खाना खाते खाते और 50 चीजें याद आ रही. फोकस नहीं है कि क्या करना था आज, आधा काम हुआ नहीं हुआ, रहता ध्यान नहीं रहता, नहीं रह पाता. तो यही कारण है. क्या कारण है, फोकस नहीं है. फोकस नहीं है सबसे पहला कारण. दूसरा, आपकी स्ट्रेटजी आप बनाते हो कभी कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप 1 स्टेप 2, ऐसे स्ट्रेटजी बनाते हो? नहीं बनाते. ये स्ट्रेटजी आपको पहले फोकस की, या क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई नीड टू डू, क्या करना है, फोकस करना है इस पे. फोकस दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप इज स्ट्रेटजी बनानी है कि क्या, कितने लोगों से मिलना है. अगर मेरे को 50 लोगों से मिलना है, 50 लोगों से अगर मैं मिलूंगा तो मेरी 5 सेल होंगी. ठीक है, ठीक है. 50 लोगों से कितना जल्दी कहाँ मिलूं, मॉल में जाऊं या किसी मेले में जाऊं या कहीं रास्ते में खड़ा हूं या रेलवे स्टेशन पे जाऊं, कहाँ मेरे को 50 लोग मिल जाएंगे. ठीक है, या मैं रेगिस्तान में घूमूं एक गांव से दूसरा गांव. नहीं, मार्केट प्लेस में जाना पड़ेगा, वही देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोग मिले. तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी. ठीक है, लोग मिल गए, मिल गए. अब लास्ट स्टेप क्या रहता है, लोग भी मिल गए, काम भी वो भी हो गया, सारा सब कुछ हो गया, स्ट्रेटजी बना ली हमने, तब भी सेल्स नहीं आ रही है. तो वहाँ आपकी काम आएगी पर्सनैलिटी. क्या पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी. सबसे बड़ी चीज क्या है, आदमी के पास अपनी पर्सनैलिटी, व्हाट आई एम, व्हाई पीपल बाय फ्रॉम मी. तो आई नीड टू ग्रूम माई पर्सनैलिटी. आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी पड़ेगी कि आपने जो बात बोली वो कहेगा यस ही सेइंग राइट. आपको दूसरे बंदे को समझाना पड़ेगा कि इट्स फॉर यू माई डियर, आई ब्रिंग दिस थिंग फॉर यू ओनली, आई एम टेलिंग यू दैट इट्स मेड फॉर यू ओनली. वो बात आपको आपके कस्टमर को, कस्टमर नहीं है वो आपका फ्रेंड है, उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करना पड़ेगा. आई एम हेल्पिंग यू आउट, यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज एंड आई एम गिविंग यू द मेडिसिन फॉर दिस डिसीज. सो वी नीड टू टेल आर कस्टमर नॉट दैट कस्टमर, वी नीड टू ट्रीट हिम एज ए फ्रेंड. सो वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम. सो व्हाट वी नीड टू डू, फोकस करना है, स्ट्रेटजी बनानी है. हाँ. और दूसरे बात पर्सनैलिटी पे काम करना है. हाँ. और कुछ रहा है अभी, और भी कुछ क्लियर करना है? ना, ओके. और कुछ, 50 लोगों से मिलके 5 सेल कर दी. अगर आप ये कहते हो कि मेरे महीने में कितना टारगेट आता है, टारगेट तो नहीं है, मतलब हम मतलब दिन मतलब बांध के 50 से 100 सेल्स करनी है एक महीने में. 60 करनी होती है, 60 60 सेल कितने दिन में, 30 दिन के लिए. 30 दिन में मतलब पर डे की 2 पर दिन की 2. और मैं ये कहूँ आप एक हफ्ते में ये करके 4-3 हफ्ते घूमने चले जाओ गोवा, कैसे मजा है. हाँ, मजा आएगा ना. हाँ. इसके पैसे भी देते नहीं देते, मैंने उसका तो मिलता है, पैसा और मिलता है ज्यादा करोगे तो. हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, सेम चीज में फोकस करना है पहले, तो स्ट्रेटजी बना के काम करना पड़ेगा. अभी मैंने बताया पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ, पर्सनैलिटी एक दिन में बना लेगा? नहीं, उस टाइम लगेगा. हाँ, लोग क्या बताते हैं पर्सनैलिटी के लिए, क्या करो, टाई पहनो, कोट पहनो, बेवकूफ है वो, कहते हैं टाई पहनो. हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का क्लाइमेट क्या है, हॉट है यहाँ, टाई से उससे नहीं चलेगा. टी शर्ट पहनो, हाफ वो पहनो, लोअर पैंट शर्ट मत पहनो.
और मस्ती से वो रहो, दूसरे आदमी को दिखे यार ये क्या है, फॉर्मल रहो, इनफॉर्मल रहो, फॉर्मल मत रहो। फॉर्मल का मतलब क्या बना रखा लोगों ने कि पैंट शर्ट टाई ये हाँ। वो फॉर्मल नहीं है, वो इनफॉर्मल है। अच्छा हाँ, वो बेवकूफी यानी कि अपनी सोच का वो है, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या बेनिफिट है, किस चीज को करने से आपकी पर्सनैलिटी झलक रही है दूसरे आदमी को कि ये कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, कोट पैंट पहनोगे गर्मी में घूम रहे हो, आपके पास एसी नहीं है तो आपका कोट पैंट आपकी वैल्यू नहीं है। कोट पैंट की वैल्यू तब है जब आपके पास एसी गाड़ी है, एसी ऑफिस है, आप घूम रहे हो रोड पे सेल करते हुए, आप कह रहे हो टाई बांधो कोट पैंट पहनो, तो वो क्या है, बेवकूफी है, बेवकूफी है। तो वो नहीं करना है आपको, क्या करना है, अपनी पर्सनैलिटी बनानी है आपके वेदर के हिसाब से, आपके सराउंडिंग उसके हिसाब से, कैसे लोगों से मिल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके लिए आपको पूरा स्ट्रेटजी बनानी है और आपको प्लान बनाना है। आराम से कर सकते हो, और कोई सवाल हो तो बताओ। क्लियर है? क्लियर, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।